पहुंच के फोन कर देना। सारी चीजें बेड से नीचे चली गई। गिफ्ट अनबॉक्सिंग करके थक चुके हैं बहुत ज्यादा। एनर्जी के लिए चॉकलेट खा रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद एंटर टीम्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज डे है संडे, मतलब आज मेरे एनिवर्सरी के नेक्स्ट डे है और आफ्टरनून 12:30 हो रहा है और पार्टी में हम जा रहे हैं अभी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये रहा तक्ष। हेलो। हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं तो आज हम लोग को छोड़ के चले गए हैं क्योंकि कल घर में पार्टी थी तो बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ था, लेकिन मैंने रात में ही समेट लिया था। और लेकिन उठने में थोड़ा लेट हो गया और बच्चों को रेडी वेडी करने में थोड़ा, तो इस वजह से तो हम लेट ही चल रहे हैं। तो चलते हैं अभी पार्टी में, अगर हो सके तो वहाँ कुछ सूट करूँगी, वरना गारंटी नहीं दे रही हूँ कि कुछ सूट करूँगी। और तक्ष भी मेरे साथ छूट गए हैं, आदो वैसे चली गई। अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, मैंने चाय बनाया था लेकिन चाय बने हुए मुझे लग रहा है हाफ एन आवर हो गया। मैं ढक के रख दी थी तो हल्के गर्म है, लेकिन चाय का टेस्ट आज का अच्छा नहीं है, तो मज़ा नहीं आ रहा है चाय पीने में भी। लेकिन मैंने एक दो सिप ले लिया क्योंकि फिर मेरे हेडेक हो जाता है शाम तक इस वजह से। और पार्टी में चाय तो नहीं होगा, चाहे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो, जूस वगैरह हो, लेकिन चाय तो नहीं मिलने वाला है। तो सूप मिल जाएगा, चाय थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से मैं एक दो सिप लेके और फिर निकलती हूँ यहाँ से। बाकी घर तो कल ही समेट चुके हैं हम लोग, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने दिखाया था रात को भी, जो रात क्रॉकरीज वगैरह जो हमारी रात को निकली थी वो सब टेबल पे ही हैं। और ये सब, और हम अभी चले जाएंगे, अब आने के बाद ही कुछ सेट होगा, अभी तो अभी हम जा रहे हैं। हम लोग आंसू का वेट कर रहे हैं, आंसू देखते हैं कितने देर में आते हैं, फिर हम निकलेंगे पार्टी के लिए। थोड़ा टाइम तो लग जाता है, ये बहुत दूर नहीं है लेकिन निकलने में हो सकता है, कार बैक पैक करने में टाइम लग गया हो, 2 मिनट भी नहीं लगते जाने में, बस 2-4 घर बाद ही है। लेकिन हम फिर भी वॉक करके नहीं जाने वाले हैं क्योंकि साड़ी में चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि साड़ी की हैबिट्स नहीं होती तो बहुत मुश्किल होता है साड़ी में कहीं भी जाना आना। और आंसू आ गए, आंसू की कार हमें दिखाई दे दी सामने, तो चलिए हम निकलते हैं। तो मैं पार्टी में ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई और हम लोग जैसे ही घर है मैं फटाफट ड्रेस चेंज करके और ओम को ड्रॉप करने जा रही हूँ। तो ओम को बस स्टैंड छोड़ने जाना है क्योंकि उसको अपने हॉस्टल के लिए जाना है और वो 1 वीक काफ़ी टाइम से हमारे साथ रह रहा है, तो अब उसको जाने का उसका समय आ गया है क्योंकि कॉलेज क्लासेज वगैरह भी चल रही हैं, तो इस वजह से तो हम उसे बस स्टैंड छोड़ने जा रहे हैं। बस पहुँच गए चेतक चौक, पहुँच के फ़ोन कर देना, खुश रहो, पहुंच कर कॉल करना, ठीक है? चलो बाय। तो दुबे जी कर रहे हैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग और ये हमें हमारी एनिवर्सरी में मिला है ये सारे गिफ्ट्स। तो ये रहा हमारा गिफ्ट नंबर 1। और दुबे जी आराम से, छुट्टी वाला दिन है, संडे है, लेजी मोड में गिफ्ट खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंसू आपको मज़ा आ रहा है? आंसू कल रात से ही गिफ्ट के पीछे पड़े हुए थे कि गिफ्ट खोलना है, गिफ्ट खोलना है, पूरी रात नींद नहीं आई इनको, इसलिए सुबह 4:30 से उठ के घूम रहे हैं। कैंडल होल्डर, तो ये रहा कैंडल होल्डर। अब दुबे जी गिफ्ट नंबर 2 निकालने वाले हैं और ये रहा, नहीं, ये नहीं, उसके अच्छा अब गिफ्ट नंबर 2 है। तो आंसू सेकेंड गिफ्ट खोलेंगे और आंसू को बहुत तेज नींद आ रही थी लेकिन फिर उनको गिफ्ट की याद आ गई, जैसे ही गिफ्ट की याद आई वैसे ही आंसू की नींद छूमंतर हो गया, है ना आंसू?
आज मैं देख के ही सोऊंगा कि आखिर मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट क्या मिला है। वाइन ग्लास से बड़े वाले हैं क्या? सिक्स थे हमारे पास वाइन ग्लासेस, सिक्स और हो गए, 12 हो गए। डिजर्ट सर्व कर सकते हैं वाइन ग्लास में। आंसू अब थर्ड गिफ्ट खोलने वाले हैं और ये रहा हमारा आज का थर्ड गिफ्ट। और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता ये बाप। ये बोल हर एनिवर्सरी या बर्थडे या हाउस वार्मिंग कुछ भी होता है, ये बोल तो मुझे मिलना ही मिलना है। इससे या तो मुझे ज़्यादा अटैचमेंट है या तो लोगों को या मुझ पे ये बोल सेट कर रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसका ड्रेसिंग टेबल पे यूटिलाइजेशन करूँगी। अरे फोर्थ गिफ्ट किसका खोलने वाले हैं? सुबह जी आप फोर्थ गिफ्ट को खोल रहे हैं। डेकोर आइटम निकलने वाला है, लग रहे सारे मेरे इसमें से मेरे काम की चीज़ें निकल रही हैं। दुबे जी आप। और ये रहा हमारे होम डेकोर आइटम। अब दुबे जी खोलेंगे ये तो बहुत कंधा है। फिफ्थ आइटम कुछ मेटल का ही लग रहा है। तो दुबे जी फाइनली आपका फिफ्थ गिफ्ट क्या है? ये हंसों का जोड़ा। तो ये रहा हमारे हंसों का जोड़ा, ठीक है। और ये रहा हमारा नेक्स्ट होम डेकोर आइटम जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब हमारा ये रहा सिक्स नंबर गिफ्ट। दुबे जी खोलिए सिक्स नंबर गिफ्ट कि हमारे बच्चे पैक करवा के हिलाते हुए गिफ्ट लाए हैं, देख लेना जिंदा बचा है या चला गया। तो ये भी लग रहा है कि एक होम डेकोर आइटम है, क्योंकि होम डेकोर आइटम जो होते हैं उनके जो कार्डबोर्ड होते हैं वो ऐसे ही सिंपल से होते हैं और उस पर कुछ डिजाइन बने हुए नहीं होते हैं, उनकी पैकिंग ऐसी ही होती है। तो हमारा सिक्स नंबर होम डेकोर आइटम निकलने वाला है, वो क्या है? बड़ी प्रोटेक्शन के साथ लग रहा है। वाओ ये भी। और ये रहा हमारा नया होम डेकोर आइटम, बहुत ही अच्छा लगा और काफी हेवी भी है। और इसमें हम कैंडल रख भी सकते हैं, ये ओपन हो जाएगा। बाकी लोगों ने दिया है हमें वाइन के बॉटल, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सेकंड वाइन का बॉटल और एक रहा ये रहा थर्ड वाइन का बॉटल। तो ये सारे हमारे एनिवर्सरी में वाइन के बॉटल मिले हैं सेलिब्रेशन के लिए। गिफ्ट अनबॉक्सिंग करके थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो एनर्जी के लिए चॉकलेट खा रहे हैं। नहीं दुबे जी बहुत ज़्यादा थक गया ना, ओनली सिक्स गिफ्ट खोल के थक चुके हैं, है ना दुबे जी? तो आपको कैसा फील हो रहा है गिफ्ट अनबॉक्सिंग करके? और बाकी दुबे जी फ़ोन में। तो हमारा गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो गया है और ये सारी चीज़ें बेड से नीचे चली गई अनबॉक्सिंग होने के बाद। और जब मैं बेड से उठूँगी तो ये सारे अरेंज करूँगी और फाइनली हमारा गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो गया। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।